पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का यह सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री, यू सैंक्शन द इंसल्ट of every Indian citizen, due to your male Congress workers and leaders have continued to dream the office of the President of India. Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi adivasiyon se. Maafi mango auton se. Maafi mango gareeb se. Maafi mango aur sharam karo. तो देखिए ये अभी हम आपको तस्वीर सुना रहे थे स्मृति रानी को, अभी आपने सुना कांग्रेस से वो यही मांग कर रही है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, और ये इसी के विरोध में यहाँ पर अब प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने हर भारतीय का अपमान किया है, स्मृति रानी ये कहती हुई गरीब की बेटी कांग्रेस को मंजूर नहीं है। जो राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी की गई अधीर रंजन की तरफ से, अब उस पर स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। दोनों तस्वीर हम आपको इस वक्त ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संसद भवन परिसर से तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी की गई है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, अब उस बयान का विरोध यहाँ पर ये तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। गरीब की बेटी कांग्रेस को मंजूर नहीं। इसी बीच स्मृति ईरानी की तरफ से ये बयान जो अभी आपने सुना, संसद के अंदर बोल रही थी स्मृति ईरानी, और अब वो सोनिया गांधी से ये कह रही हैं कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, आदिवासियों से माफी मांगे। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं स्मृति ईरानी की तरफ से कार्यवाही के दौरान क्या कुछ कहा गया। पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस
राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस